तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर और अंबिकापुर जिले में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संघ प्रमुख का ये छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि वो यहाँ संघ की प्रांतीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पथ संचलन में भी शामिल होंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर कांग्रेस ने अब तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खुद को आरएसएस गैर राजनीतिक दल बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है। कांग्रेस ने आरएसएस को राजनीतिक दलों की तरह काम करना बताया। देखिए, आरएसएस स्वयं को गैर राजनीतिक दल बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए वो हमेशा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है। आरएसएस गुड़ खाता है और गुलगुला से परहेज करता है। उसका वास्तविक काम यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलिंग मैनेजमेंट का काम करता है। जिस प्रकार से कुछ एनजीओ विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम करते हैं, लगभग वही स्थिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ बार बार इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए यहाँ पर धार्मिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से आरएसएस ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया हुआ है, और कहीं कहीं धर्मांतरण का विषय हो या सांप्रदायिकता का विषय हो, इन सारे मामलों को छद्म रूप से हवा देने का काम आरएसएस करने की यहाँ साजिश रच रही है। संघ प्रमुख का जो जशपुर दौरा है उसको भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे धार्मिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से ही उनका छत्तीसगढ़ दौरा हो।